रिश्ता लिखेंगे हम नया। इस तलवार में अनगिनत कहानियां हैं। ये मामूली तलवार नहीं, इतिहास गवाह है कि इसके लिए एक माँ ने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया। इस तलवार की मर्यादा के लिए एक राजा ने अपना सर ही काट दिया। इस तलवार के लिए एक रानी ने जहर खा लिया। ये तलवार हमारे बाप चीसा की अमानत है। इस तलवार के लिए जान दी भी जा सकती है और ली भी। सोने की थाल खास दाता हुकुम के लिए है। इसमें सिर्फ दाता हुकुम खाएंगे, ध्यान रहे तुम्हें। हो गई 56 भोग की तैयारियां। वैसे फुलवा, एक बात तो माननी पड़ेगी। अब आयुष भाई सा ठहरे दिया भाई सा हुकुम के खास आदमी और ईशा भाभी सा उनकी सगी बहन। तभी तो इतने बड़े जश्न की सारी जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई। अब दाता हुकुम की छत्र छाया तो चाहिए होगी ना। तो आपके हाथ किसी ने बांधे हुए हैं क्या साक्षी ननद सा? आप ही कीजिए ना दाता हुकुम को खुश, पर उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो आपसे होगी नहीं। देखिए ईशा, आप
आप ध्यान रखिएगा कि इस थाल में सिर्फ दाता हुकुम खाएंगे, ठीक है? और ये बाकी मिठाइयाँ कहाँ हैं? आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जी सा, बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको अपने बेटे के हाथ में आपकी मर्यादा और मान का प्रतीक देखकर। आधी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आधी बाकी है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम रतन साह के दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। दादा हुकुम, चलिए हम आपको आपके महल के खुफिया रास्ते और सीक्रेट रूम्स दिखाते हैं। लंबी उम्र हो ताता हुकुम की, जय हो। ये क्या कर रहे हैं आप? दाता हुकुम के सोने की थाल निहार रहे से। अब इसमें खाने के नसीब मारा तो नहीं है ना? दाता हुकुम की जय। खीर यहां से कैसे हटाऊं? हुकुम का नाम कौन ही ले सकती और रतन बन्ना को खीर खाने भी कौन ही दे सकती? घनी भूख लगी से, कहां है नए नवेले दाता हुकुम? हैं? Mr. India, let's go. आप जाइए, हम यही ठीक है। आइए आइए दाता हुकुम पधारिए। ईशा कौरानी सा ने अपने हाथों से आपकी मनपसंद खीर बनाई है। पहले मीठे से शुरुआत करते हैं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.